दिस इज फॉर द मूवमेंट। अब मैं चल रहा हूं किडनी एंड ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ। स्टार्ट करूं मैं, हमने मूवमेंट देख लिया, अब मैं किडनी और ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ बात करता हूं। कुछ बेसिक चीजें मूवमेंट में देख लिया, अगर क्वेश्चन बनेगा तो उन्हीं चीजों से बनेगा। व्हाट इज सार्कोमियर, व्हाट इज लाइक दैट, कि सार्कोमियर किस जेड स्कीम, टू जेड स्कीम के बीच में होता है, उसके टीपी इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं होता है, मायोसिन हेड मूवमेंट कैसे इंटरेक्ट करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन का क्या रोल होता है, उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नाउ किडनी एंड ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात करता हूं। सो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन द ऑस्मोलरिटी इन द एनवायरमेंट। ऑस्मोलरिटी क्या होता है? ऑस्मोलरिटी इज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज व्हाट द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एनिमल्स आर आइदर ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर या ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हो सकते हैं। ये अब होते क्या है देखिएगा, ऑस्मो रेगुलेटर्स मतलब ऑर्गेनिजम्स विच मेंटेन द कॉन्स्टेंट इंटरनल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। जैसे टेरिस्टिशियल एनिमल्स होते हैं जो कि हाफ वन थर्ड ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सी वाटर एंड 10 टाइम्स ऑफ द फ्रेश वाटर जो होते हैं वो रिस्टोर करते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऑर्गेनिजम्स विच मेंटेन द सेम इंटरनल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन एट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द इट्स सराउंडिंग। जैसे कि मरीन एनिमल्स होते हैं, जितने सराउंडिंग में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसी के हिसाब से अपने अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन उसी के अकॉर्डिंग ये वेरी कराते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द माल्फिगियन ट्यूब्स। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करते हैं। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स इज द ऑस्मो रेगुलेशन और रिमूवल ऑफ द एस्क्रिटरी सिस्टम फॉर द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में पाया जाता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। हीमोलिम्फ आर द सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द इंसेक्ट्स एंड द प्रोसेस क्या करते हैं कि सेल लाइनिंग्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट द आयंस एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द हीमोलिम्फ ब्लड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन्स में लेके आता है, यहाँ पे जो ल्यूमेन्स दिखता है ट्यूब्यूल्स के बारे में, ल्यूमेन में लेके आएगा अंदर की तरफ। और ट्यूब्यूल्स कंटेंट्स मूव इनटू द हिंडगट, ये मूव करेगा हिंडगट में। और वेयर द मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब्ड होता है एंड नाइट्रोजन वेस्ट रिमेन्स एक्सक्रीटेड विद द फीसेस। ठीक है, यहां से क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो पार्ट है यूरिक एसिड सिंक आपका जाता है इंसेक्ट में, जो इम्प्रूव होता है वो होता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रेटरी सिस्टम्स होते हैं। इट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। आगे चलते हैं, किडनी के बारे में देखते हैं। किडनी में क्या होता है, एक कॉर्टेक्स होता है बाहर के साइड जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, ये है रीनल आर्टरी, दिस इज व्हाट द रीनल आर्टरी। ये है रीनल वेन, ये है रीनल वेन। वेन का काम होता है ब्लड को ले जाना, आर्टरी का काम होता है ब्लड को ले आना। ठीक है, ये आपका पेल्विस है, पेल्विस ऑफ द किडनी। एंड ये यूरेट कहते हैं कि किडनी जो है यूरेटर के बारे में बात करते हैं, दिस इज व्हाट द यूरेटर। इज इट क्लियर? ये किडनी है, किडनी इस तरीके से होता है, आपको शेप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, अपने बचपन में बहुत सारे किडनी बनाए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से, सबसे ज्यादा जो फेवरेट पार्ट होता था किसी का वो सबसे इजी पार्ट होता था किडनी बनाना, क्योंकि सबसे इजी होता है किडनी को बनाने के लिए। नाउ इसका सबसे बाहर वाला पार्ट होता है जो होता है कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है मेडुला जो कि रीअब्सॉर्ब करता है वाटर को। कॉर्टेक्स का काम होता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द ब्लड कंटेंट, मेडुला का काम होता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर, पेल्विस का काम होता है वेयर यूरिन इज डिस्चार्ज एंड यूरेटर जो होता है कैरीज द यूरिन टू द ब्लैडर, यूरिन को ब्लैडर की तरफ लेके जाता है। रीनल वेन शुड बी वाइडर देन द रीनल आर्टरीज, वेन जो होता है वो वाइडर होता है आर्टरीज से, उसके पीछे भी एक रीजन होता है। एंड कॉर्टेक्स थिकनेस इन द रिलेशन टू द किडनी, जो कॉर्टेक्स का थिकनेस होता है किडनी से 1/5 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये कैसे अगर आपको कभी ड्रॉ करना हो तो आप देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा, क्या होता है, किडनी रिमूव्स द सब्सटेंसेस, किडनी रिमूव्स द सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड विच आर अननेसेसरी और हार्मफुल। ये क्या करता है कि ऐसे सब्सटेंस को रिमूव करता है जो अननेसेसरी या हार्मफुल होते हैं। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी में अनफिल्टर्ड ब्लड आते हैं,
क्या थे? अनफिल्टर्ड ब्लड होते हैं जिसपे मोर इंजेस्टेड टॉक्सिंस, मोर एक्सक्रीटरी वेस्ट, मोर सॉल्ट, मोर वाटर, मोर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, CO2, ये सारी चीजें होती हैं, जबकि रीनल वेन में फिल्टर्ड ब्लड होता है, इसमें टॉक्सिंस कम होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट कम होते हैं, वाटर कम होता है, सॉल्ट कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है, CO2 जो होता है वो मेटाबोलिज्म जो होता है उसका इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे होता है। तो समझ में आ रहा है, रीनल वेन जो होगा वो ज्यादा प्यूरिफाइड होगा या रीनल आर्टरी प्यूरिफाइड होगा, जो ब्लड मूव करेगा किस मतलब प्यूरिफाइड होगा, जो वापस जा रहा है रीनल वेन का, ठीक है। रीनल वेन याद रखना, ब्लड को प्यूरिफाई का काम करने का, ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम किडनी करता है, हार्ट का काम कभी प्यूरिफिकेशन नहीं होता, हार्ट सिर्फ और सिर्फ आपका पंप करता है, सारे ऑर्गन्स तक वो ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। Now let's see what is the Bowman capsule। आपने सुना होगा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके किडनी में पाया जाता है वो होता है Bowman capsule। Bowman capsule के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और द सेपरेंस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये क्वेश्चन जूलॉजी में आ चुका है, Bowman capsule कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन क्या था बस यही था, Bowman capsule कहाँ पाया जाता है, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जो कि जो एक्सेल में आते हैं, तो आप खुद समझ लेना कैसे क्वेश्चन करोगे आप, बाकी तो क्वेश्चन आप ट्राई कर ही रहोगे PYQs के, अभी हम सॉल्व करवाएंगे भी आपसे जब हम फोर्थ क्लास में होंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल डिफरिंग इन द साइज अकर्स इन द ग्लोमेरुलस इनसाइड द Bowman कैप्सूल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करता है, ब्लड इंटर्स फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल। इसको देखिएगा, ये Bowman कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Bowman कैप्सूल, आपको दिख रहा होगा ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहां से ब्लड इंटर किया, इंटर करके इस तरीके से जाता है, ब्लड इंटर करते हुए इस तरीके से मूव करता है, यहां से आपके एब्जॉर्प्शन Bowman कैप्सूल में इस तरीके से चीजें होती है। देखिएगा स्टेप्स कैसे होता है, ब्लड इंटर फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल, इंटर किया यहां से, फिर क्या होता है, फेनिस्ट्रेशन होते हैं दैट पासिस द फ्लूइड बट नॉट ब्लड सेल्स, ठीक है, फ्लूइड जो होते हैं वो पास कर रहे हैं, ब्लड सेल्स ज्यादातर पास नहीं करते। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग फिल्टर्ड आउट। ये जो यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा प्रोटीन्स को नहीं जाने देता, फिल्टर करने देता। उसके बाद आते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स इज अ सेल, एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं, प्रिवेंट्स द स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम बीइंग फिल्टर्ड, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिल्टर होने से रोकते हैं, एंड अनफिल्टर्ड पार्टिकल इंटर्स इंटर द एफरेंट आर्ट्रियोल। जो फिल्टर्ड होते हैं यहां से निकल जाते हैं और अनफिल्टर्ड यहां से एफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकल जाते हैं। फिल्टर्ड पार्टिकल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रिमूव्ड आउट फ्रॉम द PCT, PCT से उसको निकाल लिया जाता है। क्लियर है जी, समझ में आया क्या होता है Bowman कैप्सूल में, एफरेंट एट्रियोल से ब्लड गया, वहां से सिक्रेशन हुआ, पोडोसाइट सेल पाए जाते हैं, फिर जो फिल्टर हुआ होना था साइज के बेसिस पे हो गया, उसके बाद जितना अनफिल्टर्ड होगा एफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर चला गया। याद रखना ए का मतलब है आना, ए का मतलब है आना, तो इसका मतलब हो जाएगा एंट्री, आना, ए से आना याद रखना और ई से एग्जिट याद रखना, ठीक है, ए से आया और ई से एग्जिट, कंफ्यूज नहीं करना, क्लियर है। चलो आगे मूव करते हैं, रोल ऑफ द PCT। PCT का क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ PCT? PCT का जो रोल होता है, इट एक्टिवली एब्जॉर्ब्स यूजुअल या यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये यूजुअली कर लेता है, जैसे ऑल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, 80% ऑफ द वॉटर, सोडियम एंड अदर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब इन द PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। एडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं, एडेप्टेशन लाइक माइक्रोविलाई फॉर इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया, यहाँ पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं ताकि सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर सके, एंड मिनी माइट्रोकॉन्डिया फॉर द ATP फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है जी, चलो बढ़िया आगे मूव करते हैं, दैट इज व्हाट द नेफ्रॉन्स। अब किडनी का जो नेफ्रॉन्स होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैपिलरीज एंड ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एफरेंट आर्ट्रियोल्स था, ब्रिंग्स द अनफिल्टर्ड ब्लड, ग्लोमेरुलस जहां पे साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था, Bowman कैप्सूल कलेक्ट द फ्लूइड फ्रॉम द फिल्ट्रेट ब्लड एंड एफरेंट आर्ट्रियोल से अनफिल्टर्ड बाहर चला जा रहा था, ठीक है। अब बताओ कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ज्यादा कहां होगा, प्रेशर ज्यादा कहां होगा, एफरेंट पे कि इफरेंट पे,
जब भी बाउमेन कैप्सूल के बारे में बात करते हैं, जब भी बाउमेन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बाउमेन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, एफरेंट में प्रेशर ज्यादा होगा या इफरेंट में? जो नैरो होता है वो ये आपका नैरो होता है, इफरेंट में होता है। यहां पे देखो नैरो फॉर द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए इफरेंट जो होता है वो इफरेंट में होता है, एफरेंट आपका नॉर्मल इस तरीके से आता है, ठीक है। चलो बढ़िया है। उसके बाद इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में चीजें जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद कैपिलरीज में एक आता है वासा रेक्टा, कैरीज द ब्लड इन टू द मेडुला एंड बैक टू द कॉर्टेक्स। मेडुला और कॉर्टेक्स में वासा रेक्टा होता है। फिर होता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि फ्लूइड को कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब करते हैं, और वेन्यूल्स आते हैं जो कि ब्लड को रीनल वेन तक लेके जाते हैं, ठीक है, मेडुला। और अगर किडनी की बात करें तो किडनी से अभी आपने देखा होगा एक आपका आर्टरी था, एक आपका वेन था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया था मैंने। यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और मेडुला इन सब चीजों में जो आता है यहाँ पे पाया जाता है क्या, वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा पाया जाता है। और वेन्यूल्स जो होते हैं ये रीनल वेन तक लेके जाते हैं। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, वेन्यूल्स, ये क्या है, वेन्यूल्स है, और ये जो है वो है वासा रेक्टा, ठीक है जी। और उसके बाद आता है पीसीटी ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी जो होता है आपके कई सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको करता है। लूप और फेनले में होता है, ये भी आपका एब्जॉर्ब करता है, डीसीटी भी रीअब्जॉर्ब करता है, हालांकि लेस कैपेबल होता है पीसीटी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी रीअब्जॉर्ब करता है। एंड कलेक्टिंग डर्ट्स जो होते हैं फिल्ट्रेट को कलेक्ट करते हैं रीनल पेल्विस से, जहां पे इनका ये काम होता है। इज इट क्लियर? तो ये द सिंपल स्ट्रक्चर जो इस तरीके से चल रहा है, ये क्या है देखिएगा, ये आपका नॉर्मली इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, किडनी है, किडनी के छोटे पार्ट को एक्सटेंड किया गया, ये आपका नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स है, रीनल पिरामिड्स बन रहा है, रीनल पिरामिड्स कई सारे, व्हाट इज रीनल पिरामिड, कई सारे नेफ्रॉन्स एक साथ अरेंज होते हैं तो वो एक रीनल पिरामिड का फॉर्म करते हैं, रीनल पिरामिड का फॉर्म करते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला है, फिर उसको और एक्सटेंड किया तो ये पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, जहां पे एक बाउमेन कैप्सूल है, एक बाउमेन कैप्सूल है, एफरेंट आर्टियोल है, ग्लोमेरुलस है, इफरेंट आर्टियोल है। उसके बाद ये मूव करते करते कहां पे जा रहा है, फिर आपके पीसीटीज है, प्रोक्सिमेटेड कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, फिर उसके बाद लूप ऑफ फेनले आएगा, फिर वासा रेक्टा में या ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है वासा रेक्टा है, और डीसीटी फिर ऊपर की तरफ चढ़ने वाला डीसीटी है, फिर आपके कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाते हैं। इज इट क्लियर? लूप ऑफ फेनले का जो फंक्शन होता है, लूप ऑफ फेनले के फंक्शन के बारे में बात करता हूं, तो लूप ऑफ फेनले असेंडिंग कहते हैं कि लूप ऑफ फेनले में दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग का जो काम होता है, इट इज द परमिएबल फॉर वाटर बट नॉट सोडियम आयन। तो ये क्या करता है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ाता है, वाटर पर वाटर के लिए परमिएबल होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले, और असेंडिंग जो होता है ये सोडियम आयन के लिए परमिएबल होता है बट नॉट वाटर, तो अलाउज द ऑस्मोसिस ऑफ वाटर एंड फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों उल्टे तरीके से काम करते हैं, डिसेंडिंग लूप में वाटर परमिएबल होता है लेकिन सोडियम परमिएबल नहीं होता, वहां से वाटर रिजॉर्ब कर रीअब्सॉर्ब करेंगे, और जब असेंडिंग लूप ऑफ फेनले होगा ऊपर की तरफ जाएगा तब वहां पे सोडियम एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये काम करता है आपका जनरेट द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द मेडुला एंड कंपेयर टू द फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन्स एट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, जितना ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब कर लो, जितना ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब कर लो, ये सारा का सारा जो होता है रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। सम एनिमल्स हैव द लॉन्ग लूप ऑफ फेनले, लॉन्गर लूप ऑफ फेनले होते हैं जहां पे मोर रीअब्सॉर्प्शन बाय द मेडुला होता है। कॉमन एनिमल्स एडॉप्टेड टू द ड्राई हैबिटेट्स, जहां पे ड्राई हैबिटेट्स होते हैं ना वहां पे उनका लूप ऑफ फेनले जो होता है वो ज्यादा लेंथ होता है ताकि ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच, एडीएच का नाम सुना हुआ है, एडीएच का नाम सुना हुआ है, यस, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, क्या होता है जी, एंटी डायरेटिक हार्मोन, सुना होगा एडीएच के बारे में, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो एडीएच जो होता है ये आपका एडीएच हार्मोन बैलेंसेस द वाटर यस एग्जैक्टली वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड बाय चेंजिंग द परमियाबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करता है, बैलेंस वाटर कंसंट्रेशन का वो कलेक्टिंग डक्ट्स में इन्वॉल्व करता है। इन द इफ द इंडिविजुअल डिहाइड्रेट्स,
अगर इंडिविजुअल डिहाइड्रेट हो रहा है तो एडीएच मेक्स द कलेक्टिंग ड्रग्स मोर परमिएबल टू द वाटर एंड अलाउज द इंडिविजुअल टू सिक्रेट लेस एक्सक्रीट लेस वाटर। एडीएच ही होता है जो और इसको रोल प्ले करता है कि भैया वाटर जो है वो अगर आप कम पानी पी रहे हो तो ये वाटर और रीअब्सॉर्ब करेगा ताकि कम वाटर सिक्रीट हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर पीते रहा करिए, ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या क्या सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अमोनिया। देखिएगा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एडॉप्टेड टू एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया इज टॉक्सिक, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द यूरिक एसिड और यूरिया रिक्वायर्स द एक्स्ट्रा एनर्जी एंड यूरिक एसिड डज नॉट रिक्वायर वाटर टू एक्सक्रीट। इसको पानी नहीं चाहिए जबकि यूरिया को पानी चाहिए होता है। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो आपके अमोनिया को एज इट इज कर देते हैं क्योंकि एज अ डायल्यूटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि इतना पानी होता है सीधे सीधे पानी में डायल्यूट कर दिया, ठीक है। दैट इज व्हाट, इतने पानी में वो रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती वाटर के लिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये जनरली किस फॉर्म में करते हैं, यूरिया के फॉर्म में, जनरली यूरिया के फॉर्म में करते हैं जितने टेरेस्ट्रियल्स होते हैं। उसके बाद यूरिक एसिड जनरली बर्ड्स करते हैं, कौन करते हैं, बर्ड्स जो होते हैं यूरिक एसिड करते हैं, ठीक है। बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं सो दे आर यूरिक एसिड। बर्ड्स इंसेक्ट्स कन्वर्ट्स द अमोनिया इनटू द यूरिक एसिड ताकि वो वाटर को एकदम लेस वेट कैरी कर सके और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके जितना भी वो यूज करते हैं। एंड एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस के लार्वल स्टेज में, एम्फीबियंस जो होते हैं अमोनिया रिलीज करते हैं लार्वल स्टेज में और आफ्टर मेटामॉर्फोसिस यूरिया रिलीज करते हैं। अमोनिया लार्वा स्टेज में और यूरिया आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। इज इट क्लियर? चलो बढ़िया। ये कुछ आपके डिहाइड्रेशन, ओवर डिहाइड्रेशन के बारे में बताया गया है, क्या होता है डिहाइड्रेशन, मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट कैन नॉट बी रिमूव। फिर डिहाइड्रेशन नहीं करोगे तो वेस्ट रिमूव नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा तो टॉक्सिन आपकी बॉडी में ज्यादातर एक्यूमुलेट होंगे, एक्यूमुलेट होगा फिर लेस वाटर इन द ब्लड, ब्लड में भी लेस वाटर होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, फिर आप बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं हो सकती। और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन करोगे तो डाइल्यूशन ऑफ ब्लड सॉल्यूट्स बॉडी फ्लूइड्स बिकम हाइपोटोनिक और स्वेलिंग ऑफ द सेल्स ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ये ओवरहाइड्रेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। किडनी फेलियर ट्रीटमेंट यूज द डायलिसिस मशीन, आर्टिफिशियल किडनी जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, कॉमन वेन द किडनी इज अनेबल टू फिल्टर आउट द प्रोडक्ट्स प्रॉपरली, रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, रिस्क होने के चांसेस रहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, किडनी को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है किसी डोनर ट्रांसप्लांट से रिसिपियंट में। ग्रेटर इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसिपियंट, ग्रेटर इंडिपेंडेंस ऑफ द रिसिपियंट एंड रिसिपियंट बॉडी मे रिजेक्ट द ऑर्गन, ये रिजेक्ट भी कर सकता है, वहां पे मैचिंग होती है पूरी की पूरी ल्यूकोसाइट्स की। और एक होता है यूरिनालिसिस, ठीक है, क्या होता है यूरिनलाइसिस, यूरिनलाइसिस के बारे में बात करते हैं। सो यूरिनलाइसिस के बारे में बात करेंगे, डिटेक्ट व्हाट इज दैट, ये क्या करता है यूरिनलाइसिस के बारे में, डिटेक्ट द ब्लड सेल्स ग्लूकोज प्रोटीन एंड ड्रग्स इन द यूरिन, ब्लड सेल्स ग्लूकोज प्रोटीन एंड ड्रग्स इन द यूरिन। इंडिकेशन क्या होते हैं, अगर ब्लड सेल्स आ रहा है यूरिन में इसका मतलब है कैंसर या इन्फेक्शन या डिजीजेस के बारे में है, अगर ग्लूकोज आ रहा है तो डायबिटीज है, अगर यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं तो किडनी की कोई डिजीज है, एंड ड्रग्स आ रहे हैं तो ड्रग यूजेस। ये आपके यूरिन में जब हम यूरिन के एनालिसिस करते हैं तो डिटेक्ट करके इन डिजीज के बारे में बताता है। दिस इज ऑल अबाउट द किडनी एंड ऑस्मो रेगुलेशन। इज इट क्लियर? हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। सो अनअकैडमी पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विथ मी वीरेन सिंह ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड वीरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरिस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7, इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सर्वेज बाई लैंग्वेज आपको मिलते हैं।
इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अन अकेडमी के साथ। 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप प्रीफर कोड विरेन और विरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए। नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हर यंग गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।